नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीबी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आज भारत भर में आर्टिकल 370 के ऊपर बवाल मचा हुआ है। जो आर्टिकल 370 हटाने के लिए भारत को पूरे 70 साल लग गए, जिसे मोदी सरकार ने इस वर्ष में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया। दोस्तों, तो चलिए हम आर्टिकल 370 के बारे में हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल 370 मालूम नहीं है, अगर आपको आर्टिकल 370 के बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिए। आपको निश्चित स्वरूप से इस आर्टिकल 370 के बारे में पूरी जानकारी मिलने में सहायता होगी। दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के से आजाद हुआ था, तब जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक पूरे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन एक्सेप्ट जब 20 अक्टूबर भारत स्वतंत्र होने के बाद में जब 20 अक्टूबर को जो भारतीय कश्मीरी सेना जो पाकिस्तान के समर्थन में थी, उन्होंने पाकिस्तान की सेना के साथ में जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला बोल दिया और जम्मू कश्मीर का काफी सारा हद अपने ताबे में ले लिया। इसी डर के, इसी विषय के चलते हुए जो हमारे राजा वहाँ पे प्रशासक थे, उनका नाम राजा हरि सिंह था, वो सहायता के लिए शेख अब्दुल्ला जी के पास में और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के पास में गए थे और उनके साथ में बैठक के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। और उसी समय 26 अक्टूबर 1947 को 370 आर्टिकल भारत के संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों, लेकिन भारत का जो संविधान है वो इस 370 आर्टिकल को 1952 में लागू कर दिया था। 1952 के बाद में ये पूरी तरह से भारत के अंदर लागू हो चुका था। दोस्तों, तो ये रही 370 की कहानी, लागू कब हुआ था। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस 370 के अंदर आखिर आता क्या है, आखिर क्यों भारत के देशवासी, भारत के नागरिक 370 को हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। काफी सारे सरकारी जो चाहते थे भारत के अंदर से जो जम्मू कश्मीर की 370 जो आर्टिकल है उसे हटवा दिया जाए। तो दोस्तों, क्यों हटवा दिया जाए, इसके पीछे का कारण क्या है, हम हमारे इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल 370 में आखिर है क्या। दोस्तों, जब आर्टिकल 370 साइन हुआ था, जब वो हमारे भारत के संविधान में लागू कर दिया गया था, तो उसके अंदर लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खुद होके सिर्फ 3 विषयों के ऊपर बात कर सकता है। 3 विषयों के अंदर वो जम्मू कश्मीर के अंदर देख सकता है। दोस्तों, वो 3 विषय है, एक रक्षा है दोस्तों, दूसरा विदेशी मामले और तीसरा दूरसंचार। ये 3 विषय के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद होके अपना कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा उस हमारे भारत सरकार को कोई भी राइट्स वहां पर नहीं है। इट मींस ऐसा मान लो, आप समझ सकते हो कि जम्मू कश्मीर का अपना ही एक संविधान उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी राज्य के व्यक्ति को अगर संपत्ति खरीदी करना हो तो वो संपत्ति खरीदी नहीं कर सकता। इवन जम्मू कश्मीर की अगर लड़की किसी अदर राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसका नागरिकत्व खत्म हो जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पास में 2 झंडे हैं, एक खुद जम्मू कश्मीर का और दूसरा हमारा राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तानी लड़का जब कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, आपको बताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जब आर्टिकल 370 हटवाने की बात की थी तो खुद पाकिस्तान हमारे बीच के अंदर इंटरफेयर करने लगा। दोस्तों, आखिर 370 हटवाने के पीछे कारण क्या रहा। दोस्तों, जब भारत का संविधान हर किसी राज्य को एक समानता में जब रखता है तो एक अकेला जम्मू और कश्मीर हमारे संविधान के खिलाफ कैसे जा सकता, उसे हमारे नियम और कानून कैसे लागू नहीं हो सकते, तो इसी के ऊपर बवाल मचा हुआ था और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम एक है तो हमारा नागरिकत्व तो एक है, हमारे संविधान भी एक है और सभी राज्य पर लागू है।
लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर ये सब लागू नहीं हुआ था दोस्तों। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 लागू हुआ था उसके अंदर जब तक राज्य सरकार हमारे भारत को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को सहायता नहीं मांग सकती जब तक हम खुद होकर उनकी सहायता नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ साइन हुआ था। तो दोस्तों आज हमारे भारत के लिए एक सुनहरा दिवस है जिसके अंदर आर्टिकल 370 पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब हमारा अखंड भारत जो है, हमारा जो पूरे राज्य का जो संविधान अपनाता है उसमें आप जम्मू कश्मीर भी शामिल हो चुका है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होंगी, अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आपको ये आर्टिकल 370 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।